नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। आज अपने दर्शकों को हम ये बताएंगे कि सीतापुर संसदीय सीट पर गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर को जो भारी जीत मिली है और चार बार के सांसद राजेश वर्मा को जो बुरी हार का सामना करना पड़ा, साथ ही बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव को कितने कहां मत मिले, तो कुल मिलाकर हम आपको बूथवार जानकारी देंगे। आज बारी है सीतापुर संसदीय सीट की, सदर विधानसभा सीट की। यहां से हम आपको बताएंगे कि बूथवार किसको कितने मत मिले, वो कौन सा बूथ रहा जहां पर सर्वाधिक मत किसको मिले और सबसे कम मत किसको मिले। तो फिलहाल आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी हम जुटा चुके हैं और स्क्रीन पर आप चलते हुए पूरा बूथवार जानकारी आप प्राप्त करेंगे और फिलहाल हमारे सहयोगी प्रियांशु भी आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको फिलहाल ये बता देते हैं कि सीतापुर संसदीय सीट से गठबंधन के नव निर्वाचित सांसद राकेश राठौर, यहां पर बड़े मतों के अंतर से उन्हें जीत मिली है, यानी भारी मतों से चुनाव उन्होंने जीता है। यहां पर 35 सालों बाद जो कांग्रेस का सूखा था उसे खत्म किया है राकेश राठौर ने। 89,641 मतों से जीत हुई है राकेश राठौर की और भाजपा के चार बार के सांसद राजेश वर्मा की हार हुई थी। हार के कारणों को तो पार्टियां तलाश रही होंगी, जीत के जश्न में गठबंधन वाले लोग डूबे हैं, लेकिन हम आपको फिलहाल बूथवार जरूर जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि किसका बूथ मजबूत इसको लेकर तमाम प्रयास होते रहे हैं। तमाम लोग ठेके ले लेते हैं कि उनके यहाँ हम आपको जिता के भेजेंगे ही, लेकिन हकीकत में कितना मत किसको मिला है ये हम आपको आज बताएंगे। कुल सदर विधानसभा सीट पर अगर देखें 461 बूथ हैं। इन बूथों पर अगर बात करें तो 228 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा चुनाव जीते हैं, जबकि 232 बूथों पर कांग्रेस सपा गठबंधन के नव निर्वाचित सांसद राकेश राठौर को जीत मिली है। और मजेदार बात देखिए कि बसपा के प्रत्याशी महेंद्र यादव सिर्फ एक बूथ ही जीत सके हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भला उनकी जीत कैसे सुनिश्चित हो सकती थी। तो आपको ये भी बता दें कि सीतापुर सदर विधानसभा सीट पर कुल 403,361 मत पड़े थे और इनमें से नहीं, कुल ये मत की संख्या थी और कुल मत जो पड़े हैं उनकी संख्या है 220,396। अब इनकी अलग अलग बता देते हैं किसको कितने मत मिले। तो राकेश राठौर जो जीते हैं उन्हें मिले हैं 109,249 मत और राजेश वर्मा को यहां सिर्फ 92,923 मत ही मिल सके। महेंद्र यादव की बात करें तो 12,858 मत ही वो पा सके। सदर वो विधानसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राकेश राठौर गुरु न कि विधायक हैं बल्कि योगी सरकार में नगर विकास मंत्री भी हैं। बावजूद इसके बुरी तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये जो हार है ये बड़ी हार है सीतापुर सदर विधानसभा सीट पर। अब चलिए आपको और भी बहुत सारी जानकारी ये देंगे हमारे सहयोगी प्रियांशु, लेकिन कुछ जानकारी अहम हम दे देते हैं। वो ये जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि सीतापुर जो सदर विधानसभा सीट है यहाँ की अगर बात करें हम, तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा वो कौन सा बूथ रहा गठबंधन के लिए जहाँ उसे सर्वाधिक मत मिले, तो अगर बात करते हैं सर्वाधिक मत की तो इनमें से इधर हैं राकेश राठौर। राकेश राठौर को JLMDJ इंटर कॉलेज है खैराबाद में, यहाँ पर 718 मत पाते हैं और ये अपने आप में कमरा नंबर एक का जो बूथ है ये अपने आप में बड़ी बात कही जाएगी। बूथ संख्या है इसका 324। अब आपको बताते हैं जो सबसे कम मत वाले बूथ कौन से रहे राकेश राठौर के, तो उनमें है बूथ नंबर 272 जूनियर हाई स्कूल PSC 11वीं वाहिनी कक्ष संख्या 2।
यहां पर कुल 33 मत ही पा सके राकेश राठौर। हालांकि भाजपा को यहां 12 मत ही मिले, तो उनसे तो ज्यादा है लेकिन फिर भी ये संख्या कम है। फिर बूथ नंबर जो है 89 पर आरके एशियन इंटर कॉलेज मुंशीगंज पड़ता है, यहां भी 33 मत ही पा सके राकेश राठौर। और 140 है जो बूथ नंबर प्राथमिक विद्यालय बड़ौरा, यहां पर भी 33 मत ही राकेश राठौर को मिले। ये सबसे कम मत वाला जो हम आपको हाल बता रहे हैं वो बूथ का हाल। अब राजेश वर्मा की बात कर लेते हैं। राजेश वर्मा को बूथ नंबर 454 जो प्राथमिक विद्यालय सुजावलपुर है, ये कमरा नंबर 1, यहां पर 561 सर्वाधिक मत मिले, यानी सबसे ज्यादा मत यहां पर राजेश वर्मा को मिले। और बूथ नंबर 202 जो प्राथमिक विद्यालय ओबरी रसेवरा है, ये कक्ष संख्या 1, यहां पर राजेश वर्मा को सिर्फ और सिर्फ 2 मत ही मिल सके। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने वोट नकारने का प्रयास किया एक समान। अब अगर बात करें पूरे बूथवार की संख्या, तो वो जो है अब हमें बताएंगे प्रियांशु। प्रियांशु जरा बताइए कि पूरे अगर सदर विधानसभा सीट की बात करें तो बूथवार विवरण क्या है आपके पास, वो जरा दीजिए। और प्रियांशु बोलेंगे भी बताएंगे भी, लेकिन आई इंडिया के स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, यह अहम जानकारी हमने जुटाई है आपके लिए जिसके जरिए आप गुणा भाग लगा सकते हैं। तो प्रियांशु जरा बताइए। जी सर, जैसा कि आपने पहले जानकारी दी कि सीतापुर लोकसभा सीट अंतर्गत जो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र आता है उसमें कुल 461 बूथ हैं। तो बूथवार हम जानकारी आपको दे रहे हैं, और ये भी आपने जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी 228 बूथों पर जीती है और कांग्रेस सपा गठबंधन जो है वो 232 सीटों पर बूथों पर जीती है। अब आपको बूथवार सर हम बताते हैं, तो शुरुआत करते हैं बूथ नंबर 1 से, प्राथमिक विद्यालय चंदनपारा कमरा नंबर 1, वहाँ पर राकेश राठौर को 116, राजेश वर्मा को 459, जबकि महेंद्र सिंह यादव को 86 मत मिले हैं। प्राथमिक विद्यालय चंदनपारा कमरा नंबर 2 में राकेश राठौर को 116, राजेश वर्मा को 79 और महेंद्र सिंह यादव को 105 मत मिले हैं। अगर बात करें प्राथमिक विद्यालय हेमपुर कमरा नंबर 1 की, तो सर यहाँ पे गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर को 63 मत मिले हैं, राजेश वर्मा को 336 और महेंद्र सिंह यादव को 14 मत मिले हैं। प्राथमिक विद्यालय हेमपुर कमरा नंबर 2 जो बूथ संख्या 4 है सर, यहां पे राकेश राठौर को 264, राजेश वर्मा को 206 और जबकि महेंद्र सिंह यादव को भी 206 मत ही सर मिले हैं। प्राथमिक विद्यालय गंगेई कमरा नंबर 1 की सर बात करें अगर हम, तो वहां पर राकेश राठौर को 177, बीजेपी के राजेश वर्मा को 307 जबकि महेंद्र सिंह यादव को 216 मत मिले हैं। प्राथमिक विद्यालय मथना कमरा नंबर सर 2 की बात करें, तो वहां पे राकेश राठौर को 91, राजेश वर्मा को 135, महेंद्र सिंह यादव को 50 मत सर मिले हैं। फिर बात करेंगे सर प्राथमिक विद्यालय मथना कमरा नंबर 1 की, यहां पे राकेश राठौर को 242, राजेश वर्मा को 143 जबकि महेंद्र सिंह यादव को 123 मत मिले हैं। सर प्राथमिक विद्यालय मथना कमरा नंबर 2 की बात करेंगे सर, यहां पे राकेश राठौर को 230 मत, राजेश वर्मा को 199 मत, इसके अलावा महेंद्र सिंह यादव को 47 मत मिले हैं। प्राथमिक विद्यालय सर मोतीपुर कमरा नंबर 1, यहां पे सर राजेश वर्मा को 142 माफ कीजिएगा राकेश राठौर को 142, राजेश वर्मा को 101 और महेंद्र सिंह यादव को 43 मत मिले हैं। सर प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर कालिका बक्स कक्ष नंबर 1, यहां पे राकेश राठौर को 176, राजेश वर्मा को 179 जबकि महेंद्र सिंह यादव को 129 मत मिले हैं। सर प्राथमिक विद्यालय जमदुआ कमरा नंबर 1 में सर राजेश वर्मा को, राकेश राठौर को 107, राजेश वर्मा को 157 जबकि महेंद्र सिंह यादव को 48 मत ही मिल सके। सर प्राथमिक विद्यालय सर महमूदपुर कक्ष संख्या 1 में सर राकेश राठौर को 500 मत मिले हैं, इसके जवाब में आपको बता दें राजेश वर्मा को 208 और महेंद्र सिंह यादव को 18 मत ही हासिल हो सके। प्राथमिक विद्यालय पिपरी कला कक्ष संख्या 1 में राकेश राठौर को 234, राजेश वर्मा को 285, इसके अलावा बसपा के महेंद्र सिंह यादव को 21 मत मिले। प्राथमिक विद्यालय सर सहरोई कालिका बक्स कक्ष नंबर 1 में राकेश राठौर को 174, राजेश वर्मा को 329 जबकि बसपा के महेंद्र सिंह यादव को 56 मत ही मिल सके। प्राथमिक विद्यालय सर ककराहा कमरा नंबर 1 में सर राकेश राठौर को 190, राजेश वर्मा को 242 और बसपा के महेंद्र यादव को 7 मत ही सर मिल सके हैं। इसके अलावा सर प्रियांशु मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी देखिए, ये प्रियांशु ने जो अहम जानकारी दी है वो आई इंडिया के स्क्रीन पर आपको चलता हुआ पूरा मिल जाएगा, और हम
अपने दर्शकों से कहेंगे कि आपको छोड़ जाते हैं वो तमाम जानकारी के लिए आप इंडिया के स्क्रीन पर देखते रहिए और ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और चूंकि सारा जितने बूथ हैं उनकी पूरी जानकारी आप जब देखेंगे एक एक कर एक एक जो बूथ है और कौन किसको कितना मत मिला है हमने बहुत बेहतरीन ढंग से आपके लिए बनाई है। तो आप फिलहाल इंडिया को देखते रहिए और इस तरीके से हम अगले विधानसभा क्षेत्र का भी हाल आपको अगली कड़ी बताएंगे। जानकारी हम दर्शकों तक देना चाहते हैं, दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। सर एक ये जानकारी कि अगर हम बूथवार देखें तो लगभग दो बराबर बूथों पर दोनों ने विजयश्री हासिल की है, 228 पे बीजेपी ने और 232 पे कांग्रेस सपा गठबंधन ने। लेकिन सर अंतर ये सर कहां से आ गया? तो सर अंतर इसलिए ऐसा आ गया है कि सर कई बूथ ऐसे रहे हैं जो राजेश वर्मा के लिए जहां पे वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं, जबकि गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर का सर हम देखें जो मोहल्ले जो या वार्ड जो बूथ बीजेपी के सर गढ़ माने जाते हैं वहां भी उन्होंने सेंधमारी कर ली। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है राजेश वर्मा वो गठबंधन के जो बूथ है वहां पे सेंधमारी करने में सर कहीं ना कहीं विफल साबित हुए। और यही जो अंतर है सर, बूथ पे लड़ाई बराबर हुई सर, मतलब बराबर बूथों पे विजयश्री हासिल हुई, चार बूथ का अंतर है लेकिन वोट का अंतर सर 16,326। तो ऐसे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं अगर गठबंधन प्रत्याशी को 700 मत मिले हैं तो वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सर 8,8,5,5,6,6 सर मत मिले हैं और यही इतना बड़ा अंतर सर आखिरी में निकलकर सामने आया सर। बिल्कुल, कितना अंतर निकलकर आया, किस बूथ पर किसको कितने मत मिले, आप इंडिया के स्क्रीन पर बने रहिए और आपको जितने भी बूथ हैं उनकी आपको जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, अगली कड़ी में हम आपको जो बची हुई चार विधानसभा सीट हैं वहां का भी हाल दिखाएंगे। तो हम लोगों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।